कई लोग कहते हैं पहले भी स्वयंवर होता था, अभी भी स्वयंवर होना चाहिए। हाँ स्वयंवर होता था, पर एलिजिबिलिटी होती थी। सूरवीर, निष्णात, राजकुमार, अच्छे विद्वान लोग आया करते थे। ये सड़क पे चलते दो कौड़ी के दो टके के लोगों के साथ स्वयंवर नहीं करते थे। उठते चलते स्वयंवर नहीं, स्वयंवर आयोजित होती थी। देश देश के लोग आते थे और तब हमारी कन्या जाके वरण करती थी। श्रेष्ठ लोगों का ही आना होता था, लुच्चों का आगमन ही बंद रहता था उसमें। नंगे लुच्चे नॉट अलाउड। तो उसमें से जो वर होता था, वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। वर कोई दूल्हा नहीं बोलते, ये हमारे वर हैं। वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, टॉप, बेस्ट। हाँ कितनी माता आज तक कहेंगे वर माने दूल्हा ही होता है, वर माने श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है वही वरण करना है, उसी को वरण करना है। विवेकानंद कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत, वो भी वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उठो जागो, बोला उठ के जाग के क्या करूं, बोला बैग पाई पर लाके पियो और क्या करोगे। अब एक हमसे पूछता महाराज जी आप नाम भी जानते हैं तो हम क्या कहीं सोमालिया से आए हैं क्या है? तुम्हारे भारत में, तुम्हारे राज्यों में शराब के टैक्स पर पूरा का पूरा सरकार चल रहा है। शराब के टैक्स बंद हो जाए, शराब बंद करवा पा रहा है कोई सरकार? मिला तुमको जल्दी कोई बंद कराने वाला? बोला इनकम कम हो जाएगी सरकार की। वो हमने तो ये सुना है कि ऐसे दो नंबरी के कमाई से जिस प्रजा का पालन होगा वो प्रजा कितनी सनातनी और कितनी सुखी होगी जब शराब के पैसे से लोगों को पाला जाएगा। क्या सरकारों के पास सिर्फ यही टैक्स बचा हुआ है, शराब का टैक्स? इससे चलेगा भारत? इसलिए आप सब भी मांग करना कि शराब बंद करो, ब्राउन शुगर बंद करो, हेरोइन, ये भांग गांजा। महाराज जी भांग गांजा कैसे बंद करवा दे, तो शिव जी पीते थे। अच्छा देखने गए थे शिव जी को? शिव जी तुम्हारे साथ पीते थे बैठ के? शिव जी ने कालकूट बीस पिया था जो समुद्र मंथन में निकला था। क्या निकला था? कालकूट बीस। तो जिनको भांग गांजा पीने की जल्दी है पहले पांच सल्फास की गोली खाओ तब फिर भांग गांजा तुमको मिलेगा। पहले तो इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है, और अगर है भी तो इसको ऐसा मान लो कि सर्प जब दंशन करता है तो सांप काटने की दवा भी क्रैक सांप का विष ही होता है, पॉइजन ही होता है, एंटीवेनम। सांप का जहर सांप के जहर से ही उतरता है। मेडिकल साइंस पढ़े हो ना, एंटीवेनम नहीं जानते? अगर तुमको सांप काट दे तो जो तुमको इंजेक्शन दिया जाएगा वो सांप का विष ही होता है, उसी से उतरता है, एंटीवेनम बोलते हैं उसको। तो भगवान शंकर ने कालकूट बीस पिया, तुम कौन सा बीस पी के बैठे हुए? हो सकता है जहर का दवा थोड़ा जहर हो सकता है, भांग धतूरा पीस पास के थोड़ा ले लिए उस जहर की गर्मी को शांत करने के लिए एंटीवेनम, पर तुमने कौन सा जहर पिया है? तुम्हारा समुद्र मंथन कब हुआ था और कब तुमको जहर मिला? मेरी माता तुम्हारे पति या बच्चे सब पी करके शंकर भगवान का नाम लेते होंगे तो पकड़ के ये उत्तर देना, बोला इधर आ। तो शंकर भगवान तो पिए थे कालकूट बीस, तू कहां पिया रही? पूछना एक बार। शिवजी के नाम पर भांग पिएंगे, शिवजी के नाम पर गांजा और चिलम मारेंगे। बारे सनातन संस्कृति।